व्यासपीठ पे विराजमान परम पूज्य परम श्रद्धे श्री गौरदास जी महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। कथा पंडाल परिसर में विराजमान सभी श्रोता भक्तजन एवं सत्संग टीवी चैनल के माध्यम से अपने घर बैठे इस दिव्य श्री भक्तमाल कथा का रसपान कर रहे सभी श्रोता भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हमको विदित है, यहाँ श्री अग्रसेन भवन लोहिया नगर गाजियाबाद में सप्त दिवसीय दिव्य श्री भक्तमाल कथा का आयोजन श्री निताई गौर हरि संकीर्तन मंडल के भक्तों द्वारा किया गया है। साथ में ही इस कथा के साथ एक बहुत सुंदर उद्देश्य भी जुड़ा हुआ है। वह उद्देश्य है श्री वृंदावन धाम में पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में बन रहे आश्रम का निर्माण कार्य। श्री वृंदावन धाम में अटल्ला चुंगी के निकट गांधी मार्ग पर पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है। जिस आश्रम में श्री मंदिर, श्री गौशाला, वातानुकूलित एसी कमरे एवं हॉल की व्यवस्था की गई है, जो भक्तजन सत्संग टीवी चैनल के माध्यम से इस दिव्य कथा का आनंद लाभ उठा रहे हैं, वे पूज्य महाराज श्री के आश्रम में किसी भी प्रकार का सहयोग मंदिर हेतु, गौशाला हेतु, कथा सत्संग हेतु, हॉल हेतु या अन्य किसी भी प्रकार का सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो पूज्य महाराज श्री की संस्था श्री निताई गौर हरि संकीर्तन मंडल ट्रस्ट रजिस्टर्ड के पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट में सहयोग प्रदान कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं और आज चतुर्दिवस की कथा में पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में प्रवेश करते हैं। श्री राधे श्याम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री बड़े बाबा जी महाराज श्री सदगुरुदेव भगवान की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्रावण मास में सप्त दिवसीय श्री भक्तमाल जी की पावन कथा श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आज कथा का चतुर्थ दिवस है। कल गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के पावन चरित्र में हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार भगवान शंकर की आज्ञा से आपने श्री रामचरितमानस जी को प्रकट किया और फिर किस प्रकार काशी में रामचरितमानस का विरोध हुआ, लेकिन हर परीक्षा में गोस्वामी जी उत्तीर्ण हुए और किस प्रकार भगवत दर्शन उपलब्ध हुआ और किस प्रकार उन निधवा सिखवा चोरों पर भी गोस्वामी जी की कृपा हुई। श्री रामचरितमानस जी की चहुं और जय जयकार हो रही है। वंदौ तुलसी के चरण जिनकी नौ जग काज, कली समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। संतों का कहना है गोस्वामी जी की जो श्री रामचरितमानस जी हैं ये एक जहाज के समान हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक कलयुग के डूबते हुए जीवों को इस भवसागर से सहजता से पार करने के लिए ही इस रामचरितमानस रूपी ग्रंथ को प्रकट किया। भवसागर चह पार जो पावा राम कथा ता कह दृढ़ नावा। मानस जी प्रकट भए, कितनी कितनी परीक्षाओं से उत्तीर्ण हुए, लेकिन केवल श्री रामचरितमानस ही प्रकट हुई हो ऐसा नहीं। गोस्वामी जी के द्वादश ग्रंथ हैं,
बारह ग्रंथों की रचना गोस्वामी जी के द्वारा हुई है, जिसमें सर्वोपरि श्री रामचरित मानस है। गोस्वामी जी अपनी कुटिया में विराजमान कि एक दिन तो एक बड़ी भयंकर काली मूर्ति गोस्वामी जी के आगे प्रकट हुई, बहुत भयावह, बहुत भयंकर एक काले रंग का पुरुष, और गोस्वामी जी को बार बार डराने लगा, धमकाने लगा। गोस्वामी जी ने पूछा, आप कौन हैं? तब उसने कहा कि मेरा नाम कलयुग है। गोस्वामी जी ने कहा, कहिए आपने कैसे दर्शन दिया? बोले, तुम मेरा अस्तित्व मिटाना चाहते हो? गोस्वामी जी ने कहा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बोले, तुमने रामचरितमानस जैसा ग्रंथ प्रकट कर दिया है और उसके द्वारा मेरे युग को बहुत नुकसान हो रहा है। लोग कलयुग में रहते हुए भी सतयुग का अनुभव कर रहे हैं, तो तुम्हारे ग्रंथ के द्वारा मेरी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो या तो तुम उस ग्रंथ को फाड़ कर गंगा जी में फेंक दो, अग्नि में जला दो, अन्यथा मैं तुम पर हावी हो जाऊंगा। कली का प्रभाव बहुत दुष्कर है, तुमको समाप्त करके छोड़ूंगा। ऐसे डरा करके, धमका करके कलयुग अंतर्ध्यान हो गए। गोस्वामी जी घबरा गए, सोचने लगे, क्या करूं? अभी जैसे तैसे तो काशी के पंडाओं से पिंड छूटा नहीं था, रोज कोई ना कोई उत्पात करते थे मानस जी को लेके, अब ये कलयुग और धमकाने आ गए। तब विचार करने लगे, क्या करूं? तब गोस्वामी जी के पास एक ही उपाय है। गोस्वामी जी ने हनुमान जी को स्मरण किया कि कलयुग ध्वंस दिखाए गो, कलयुग ध्वंस दिखाए गो, पुनि पुनि पीसत दंत, अब तुम बिन कौन सहाय करे, कृपा करो हनुमन। गोस्वामी जी ने पुकारा, और जैसे ही गोस्वामी जी ने पुकारा तैसे ही श्री हनुमान जी प्रकट हो गए। गोस्वामी जी ने चरणों में प्रणाम किया। हनुमान जी ने पूछा, कहिए गोस्वामी जी, क्या हुआ? बोले, महाराज, आज हमको धमकाने के लिए कलयुग आए थे और कह रहे थे कि मैं तुमको अपने प्रभाव में लेकर के समाप्त कर दूंगा, मेरे प्रभाव से कोई नहीं बच पाया, या तो तुम अपने रामचरितमानस ग्रंथ को समाप्त कर दो, अन्यथा मैं तुमको समाप्त कर दूंगा। मैंने उनसे कहा कि ये ग्रंथ मैंने अपनी इच्छा से नहीं, हनुमान जी की आज्ञा से, भगवत इच्छा से लिखा है, फिर भी वे नहीं माने। वे बोले, हनुमान कौन होते हैं मेरे युग में टांग अड़ाने वाले? ये विधाता की बनाई व्यवस्था है, सतयुग आता है, फिर त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है, और इस समय मेरा राज्य चल रहा है, और तुम मेरे शासन में हो तो मेरे विरुद्ध नहीं चल सकते। हे हनुमान जी, बताइए, मैं आपका दास हूं, आपकी शरण हूं, मैं क्या करूं? हनुमान जी विचार करने लगे और गोस्वामी जी से कहा कि गोस्वामी जी, मैं कलयुग को बलपूर्वक दबा सकता हूं, लेकिन कलयुग के ऊपर अपना बल दिखाना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कलयुग को बलपूर्वक दंडित करता हूं तो इससे भगवान की अवहेलना हो जाएगी, क्योंकि ये युगों वाली व्यवस्था भगवान की ही बनाई हुई है। इस समय कलयुग का राज है, ये सत्य बात है, लेकिन कलयुग आप पर अपना प्रभाव दिखाना चाहता है। तो गोस्वामी जी ने कहा, बचने का कोई उपाय नहीं है। फिर बोले, एक उपाय है कि आप एक विनय पत्र भगवान के लिए लिखिए,
एक विनय पत्रिका लिखिए, एक निवेदन पत्र लिखिए और उस निवेदन पत्र को लिख करके मुझे दीजिए और उस पत्र को लेकर के मैं भगवान के दरबार में जाऊंगा, नित्य साकेत धाम में जाऊंगा और फिर श्री जी की सिफारिश लगवा करके जीवाचार्य लक्ष्मण जी से अनुरोध करवा करके भगवान से उस विनय पत्रिका के ऊपर हस्ताक्षर करा लूंगा कि गोस्वामी तुलसी तो कलयुग में रहेंगे पर कलयुग का गोस्वामी तुलसी पर रंच भी प्रभाव नहीं होगा। और यदि भगवान लिख देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे आपके पत्र के ऊपर, तब फिर कलयुग कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे कभी कभी कोई विपत्ति की स्थिति होती है तो कर्फ्यू लग जाता है और कर्फ्यू में नियम होता है कि कोई भी बाहर नहीं निकल सकता, झुरमुट बना के नहीं खड़े हो सकते, घर से बाहर नहीं जा सकते, आपातकाल में कर्फ्यू लग जाता है तो कोई घर से बाहर नहीं निकलता, सब अपने घर में रहते हैं, बाजार बंद होते हैं। लेकिन उस समय भी एक व्यवस्था होती है कि किसी को कोई बहुत आवश्यक काम है तो लोग कहते हैं भाई डीएम से लिखवा लाओ, किसी कागज पे हस्ताक्षर करवा लाओ। यदि वो हस्ताक्षर वाला कागज आपके पास है और अत्यंत आपको आवश्यक काम है तो कर्फ्यू में कोई नहीं निकलेगा पर आप निकल सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही हनुमान जी ने कहा कि आप विनय पत्रिका लिख दीजिए और मैं उस पर भगवान के हस्ताक्षर करवा लाऊंगा। तो वास्तव में है तो कलयुग के अधीन, कलयुग भगवान के अधीन ही है। जब भगवान कह देंगे तो आप पर प्रभाव नहीं होगा। तब श्री हनुमान जी की आज्ञा से गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका ग्रंथ की रचना करी। ये विनय पत्रिका ग्रंथ गोस्वामी जी का बहुत अद्भुत है और इस विनय पत्रिका ग्रंथ में गोस्वामी जी ने भगवान से प्रार्थना करी है। जितने भी प्राय गोस्वामी जी के विनय के पद, नाम महिमा के पद, दीनता के पद, प्रार्थना के पद गाए जाते हैं वे सब विनय पत्रिका के ही पद हैं। सब किसी को विनय पत्रिका का पाठ करना चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर से उपलब्ध होता है विनय पत्रिका ग्रंथ। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका ग्रंथ की रचना करी और उसमें बहुत सुंदर भगवान श्री राम की स्तुति करी। ये श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरन भव भया I'm
स्वामी जी ने ऐसी स्तुतियों का संग्रह, विनय के पद, नाम महिमा के पद, सबकी वंदनाओं का वो संग्रह करके विनय पत्र लिख करके श्री हनुमान जी के हाथों में दिया और हनुमान जी उस पत्र को लेकर के दिव्य साकेत धाम में भगवान सीता राम जी के दिव्य दरबार में पहुंचे। पहले से हनुमान जी ने निवेदन कर ही रखा था, भरत जी से निवेदन कर रखा था, लक्ष्मण जी से निवेदन कर रखा था, श्री जी से निवेदन किया हुआ था। पत्र दरबार में पहुंचा, भगवान श्री राम ने पूछा कि हनुमान आज कैसी बात है, दरबार में काना फूसी जैसी स्थिति है, क्या बात है बताई जाए हमको। तब हनुमान जी तो कुछ नहीं बोले, लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, आज हनुमान जी एक अर्जी लेकर के आए हैं। बोले ऐसी क्या बात है जो हनुमान जी को अर्जी लगानी पड़ गई, सबकी अर्जी का समाधान तो स्वयं हनुमान जी कर देते हैं, तो हनुमान जी को यहाँ तक अर्जी लेके आना पड़ा, ऐसी क्या बात है। तब लक्ष्मण जी ने कहा, ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी से संबंधित है और इस प्रकार कलयुग आकर के गोस्वामी तुलसीदास जी पर अपना अधिकार जमाना चाहता है कि जो मेरे युग में रहेगा वो मेरे प्रभाव में रहेगा। तो तुलसीदास जी ने उससे घबरा करके हनुमान जी के हाथ ये विनय पत्र भेजा है, प्रभु तो आप इसको स्वीकार करें, और निवेदन है कि गोस्वामी जी को सदा सदा के लिए कली के प्रभाव से मुक्त कर दें। तब प्रभु श्री राम तो सब जानने वाले हैं, पर अपने सब सभासदों का मत लेने लगे, बताओ भरत इस विषय में तुम क्या कहना चाहते हो। भरत जी कहते हैं, प्रभु गोस्वामी जी के द्वारा तो बहुत लोक कल्याण का काम हो रहा है, तो उनको आप अवश्य निर्भय कीजिए, उनके ऊपर तो क्या कली का प्रभाव होना है, उनके श्री रामचरित मानस जी के प्रचार प्रसार में भी कलयुग के द्वारा कोई अवरोध उपस्थित ना हो, आप ऐसी व्यवस्था करें। लक्ष्मण जी से पूछा आपका क्या कहना है, उन्होंने भी यही कहा। जानकी जी से पूछा आप क्या कहना चाहती हैं, जानकी जी ने कहा, प्रभु उनके द्वारा तो आपका बहुत प्रिय कार्य हो रहा है, आपने स्वयं भी तो जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में अवतार ग्रहण किया, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, संवर्धन के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी तो आपके दिव्य सुयश को गा करके सबको भगवत भक्ति की धारा में प्रवाहित कर रहे हैं, तो उनको अवश्य आपके द्वारा संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। जब सबकी सम्मति हो गई तब हनुमान जी ने वो प्रति भगवान के हाथ में दी और स्वयं भगवान श्री राम ने विनय पत्रिका के ऊपर हस्ताक्षर किए। यह श्री राम कहो सत्य, सुद मैं हूं लही है, मुदित माथ नावत बनी तुलसी अनाथ की, परी रघुनाथ हाथ सही है। श्री राम जी ने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी को बुलाया जाए, वे यही चाहते हैं एक बार प्रत्यक्ष रूप में राम जी मेरा हाथ पकड़ लें, मैं ये बही अब उन्हें ही प्रदान करूंगा। तब हनुमान जी झट आए हैं और सशरीर, अभी अंतर ध्यान होने में तो गोस्वामी जी के बहुत समय है, सशरीर गोस्वामी जी को दिव्य साकेत लेकर के गए हैं। उस दिव्य झांकी का गोस्वामी जी ने दर्शन किया है, चरणों में प्रणाम किया है और श्री राम जी ने उस बही के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं, गोस्वामी जी को प्रदान किया है और गोस्वामी जी का हाथ पकड़ कर कहा है, आप सदा सदा हमारे हैं, आप पर तो कलयुग क्या प्रभाव करेगा, जो आपके ग्रंथ का आश्रय लेंगे,
जो आपकी वाणियों का आश्रय लेंगे, जो आपके कहे हुए शब्दों को दोहराएंगे, गाएंगे, अनुसरण करेंगे, वे भी कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा कह करके स्नेह किया है और पुनः गोस्वामी जी लौट करके आए हैं और कली महाराज गोस्वामी जी को प्रणाम करके चला गया। तो कली प्रभाव के बहाने विनय पत्रिका जी का प्राकट्य हुआ। और कुछ समय बीता तो एक दिन गोस्वामी जी को काल भैरव ने दर्शन दिया, वो भी भयंकर मुद्रा में, बोले कुछ नहीं, बस काल भैरव ने दर्शन दिया। और दर्शन देकर जैसे ही भैरवनाथ अंतर ध्यान हुए कि गोस्वामी जी की बाजुओं में भयंकर पीड़ा प्रारंभ हो गई, दोनों बाजू उनकी बहुत दुखने लगी। और इतनी गोस्वामी जी की तो सहन शक्ति भी बहुत थी, लेकिन सहन शक्ति से बाहर हो गई, इतनी पीड़ा होने लगी गोस्वामी जी को। सोचने लगे कि कुछ ऐसी कोई प्रतिकूल जलवायु भी इस समय नहीं है, कुछ अनुपयुक्त मैंने खाया भी नहीं है, अनुपयुक्त रूप से कुछ सोया भी नहीं हूं, ये कैसे बाजू में पीड़ा हो गई, कहीं कोई ग्रह की बाधा तो नहीं है, और इतनी भयंकर पीड़ा कि संभल न पाए। भैरव कोप पीर उपजाए, तुलसीदास बहुत घबराए, इतनी पीर भुजा में बाड़ी, जन को चाहत प्राणन काढ़ी। भयंकर पीड़ा दोनों भुजाओं में होने लगी। अब क्या करें, अब उनकी तो एक ही दौड़ है हनुमान जी महाराज तक। तब पुनः गोस्वामी जी ने तुलसी सुमिरत हनुमत बीरा, अब सही जाय न भुज की पीरा, और दीन पुकारत आरत वचना, अहोन लगी बाहुक की रचना। हनुमान बाहुक मुख गायो, पवन पुत्र को विनय सुना। बड़ी भयंकर पीड़ा भुजाओं में होने लगी, गोस्वामी जी व्याकुल हो गए, समझ नहीं आ रहा था, पुनः श्री हनुमान जी को पुकारने लगे। बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल कृपा की लगा दे। Bye.
अद्भुत हनुमान जी की विनती करी, तुलसी सुमिरे हनुमत बीरा, सही जाए नहीं भुज की पीरा, दीन उचारत आरत वचना, और होन लगी बाहुक की रचना। हनुमान बाहुक कछि गायो, पवन तने को विनय सुनायो। गोस्वामी जी ने श्री हनुमान बाहुक की, ये भी गोस्वामी जी के बारे ग्रंथों में एक ग्रंथ है, अद्भुत प्रभाव है।
बड़े से बड़े शारीरिक रोग का निवारण इस स्त्रोत के अनुष्ठान से होते देखा गया है। शरीर की पीड़ा के लिए, शरीर के रोग के निवारण के लिए, और ये सब लीला गोस्वामी जी को कौन व्याधि हो सकती है? ये सब लीलाएं जगत कल्याण के लिए हुई हैं। श्री गोस्वामी जी ने हनुमान बाहु की रचना करी और उसमें निवेदन किया। उस समय कैसी स्थिति थी गोस्वामी जी हनुमान बाहुक में कहते हैं, पाय पीर पेट पीर बाह पीर मुह पीर जर जर सकल शरीर पीर मई है। पाय पीर पेट पीर बाह पीर मुह पीर जर जर सकल शरीर पीर मई है। देव भूत पितर करम खल काल ग्रह मोहू पर दवरी दमानक सी दई है। हाँ तो बिन मोल के बिकानो बलि बारे हूते मैं ओट राम नाम की ललाट लिख लई है। कुंभज के किंकर विकल बूढ़े गौखुरनी हाय राम राय ऐसी हाल कहूं भई। हे रघुनाथ जी, हे हनुमान जी, कुंभज के किंकर विकल बूढ़े गौखुरनी। कुंभज माने अगस्त जी महाराज, जिन अगस्त जी ने एक अंजलि में समुद्र पी लिया, उन अगस्त जी का शिष्य यदि गैया के खुर जितने गड्ढे में डूब के मर जाए तो बताइए अगस्त जी के लिए कितनी अपमान की बात हो जाएगी। तो कुंभज के किंकर विकल बूढ़े गोखुरनी हाय राम राय ऐसी हाल कहूं भई है। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर स्त्रोत की रचना करी हनुमान बाहु की, और स्त्रोत गा करके गोस्वामी जी सो गए। और स्त्रोत में एक जगह ये भी कहा कि हनुमान जी को कि तुलसी की बाह पर लामी लूम फेरिए, मुझे मैं और न किसी ग्रह की पूजा कर पाऊंगा, ना और कुछ मेरे से अनुष्ठान हो पाएगा, मेरे बल सिर्फ आप हैं, मैं सिर्फ आपके आगे रो सकता हूं और मेरे पे कोई साधन नहीं है, तुलसी की बाह पर लामी लूम फेरिए। गोस्वामी जी कहते कहते गाते गाते सो गए। स्त्रोत पूरा हुआ तभी श्री हनुमान जी प्रकट हो गए, और जैसे जैसे गोस्वामी जी ने कहा हनुमान जी ने वैसे वैसे किया, अपनी पूंछ लेकर के और श्री गोस्वामी जी के पूरे शरीर पर फेर दी। और जैसे ही फेर दी, उस दिन के बाद गोस्वामी जी के देह में फिर कोई रोग नहीं था, एकदम स्वस्थ शरीर हो गया। श्री हनुमान जी प्रकट भए, संकट मोचन की कृपा गई भुज पीर बिलाय। संतों का कहना है संकट मोचन मंदिर में ही इस स्त्रोत का गोस्वामी जी ने लेखन किया। संकट मोचन अष्टक का भी वही लेखन किया है और श्री हनुमान बाहु का लेखन भी गोस्वामी जी ने वही किया है। संकट मोचन की कृपा और गई भुज पीर बिलाय और उत भैरव को सहज ही शंभु दिए समझा। हनुमान जी की कृपा से तो निवारण हो गया, और उधर जो काल भैरव आए थे उनको शंकर जी ने समझा दिया। काल भैरव के सन्मुख शंकर जी प्रकट हो गए। काल भैरव ने प्रणाम किया, क्योंकि पार्षद तो वो भोले बाबा के ही हैं। शंकर जी ने कहा, क्यों भैरव जी, अब भक्तों को भी दुख देंगे आप, तुलसीदास जी के पास क्यों गए थे? तो काल भैरव लज्जित हो गए, भोले बाबा से कहा, महाराज हमको इनको डराने धमकाने नहीं गए थे, आप देखिए उन्होंने विनय पत्रिका में सबके पद लिखे, गणेश जी का भी, गंगा जी का भी, सूर्य भगवान का भी, सबके लिखे, और देखिए काशी में रहते हैं, अब काशी में तो काल भैरव का गढ़ है, जब सबकी स्तुति करी तो हमारी भी स्तुति कर देते, उनकी वाणी इतनी प्यारी है कि हमारा मन होता है हम उनके मुख से कुछ सुने। और
रहते काशी में और हमसे कुछ हमसे हमें पूछते ही नहीं। शंकर जी ने कहा कि वे तो श्री राम के अनन्य उपासक हैं और वे आपको मेरे से अलग नहीं जानते, वे मुझे तो खूब भजते हैं और मेरे भज लेने में वो सब गणों का भी मान लेते हैं, तो अब आप उनको अपनी रौद्र मूर्ति का दर्शन नहीं कराना। बोले अच्छा सरकार, गलती हो गई, आगे से नहीं जाऊंगा। तब काल भैरव अंतर ध्यान हो गए और तब शंकर जी ने प्रेरणा करी गोस्वामी जी को, तब गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में एक पद काल भैरव जी का भी लिखा है, भैरवनाथ का भी लिखा है। पर इन सब लीलाओं का हेतु यही था कि गोस्वामी जी के हृदय से स्त्रोत प्रकट हो, आर्थ प्रकट हो, जिससे जन का कल्याण हो। तो हनुमान बाहु की रचना हुई और भी अनेक ग्रंथों की रचना करी है गोस्वामी जी ने। चित्रकूट में विराज रहे थे कुछ दिन गोस्वामी जी, कुटिया में रहते थे कामतगिरी के पास और भजन करते थे। तभी देखा कि एक बालक आया सांवरे रंग का, बहुत सुंदर, और गोस्वामी जी के पास आकर बैठ गया। गोस्वामी जी ने कहा, कहिए बालक भगवान, आप मेरे लिए क्या सेवा है? बोले गोस्वामी जी, हमें आपसे पद सुनने हैं, आप पद सुनाइए। गोस्वामी जी ने कहा, विनय पत्रिका में बहुत पद गाए गए हैं। बोले नहीं, वो विनय वाले पद नहीं सुनने हैं। तो कौन से पद सुनने हैं? बोले हमें लीला वाले पद सुनने हैं। बोले रामचरितमानस में लीला गाई है? बोले वो चौपाइयों में गाई है, पद रूप में, भजन रूप में हमें आपसे लीला सुननी है। अब वो बालक हट करने लगे, गोस्वामी जी को लगा कि बालकों के भीतर तो भगवान होते हैं। गोस्वामी जी ने कहा ठीक है। तब गोस्वामी जी तो आशु कवि हैं, गोस्वामी ने तत्क्षण चार नए पदों की रचना करी और वो चार पद उन बालक को दे दिए कि ठीक है अब जाओ। अगले दिन वो बालक फिर आ गया और गोस्वामी जी से कहा, हमें और पद चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा, चार पद हमने आपको दिए थे बधाई के लिख करके श्री राम जी की, वो आपने गा लिए, याद कर लिए? बोले हाँ। बोले सुनाइए। वो बालक ने झट चारों पद सुना दी। बोले अब और चाहिए? हनुमान जी का बड़ा विलक्षण बालक है। तब हनुमान जी ने और आगे के, श्री गोस्वामी जी ने और आगे के चार पद लिख दिए बाल लीला के, फिर बालक को दिए, फिर बालक ले गया। अगले दिन फिर आ गए, और पद दीजिए। गोस्वामी जी ने कहा, कल तो हमने आपको पालने के बाल लीला के पद लिख के दिए। बोले याद कर लिए, सुनाइए। सुना दिए। अगले दिन फिर आ गए, फिर आगे की लीला, फिर आगे की लीला, फिर आगे। ऐसे वो बालक कई महीनों तक आता रहा और गोस्वामी जी के चरण में रोज आगे की लीला के पद लिख दे। धीरे धीरे तो श्री राम जी के जन्म से लेकर के और राज तिलक तक की सारी लीलाओं के गोस्वामी जी ने पद लिख दिए। वो रोज आके ले जाते थे चार पद, याद कर ला लेते बालक। अब राज तिलक की लीला पूरी हो गई, वो बालक फिर आए। तब गोस्वामी जी ने फिर श्री कृष्ण लीला गानी प्रारंभ करी, तब वे भी पद। अब दो दो ग्रंथ तैयार हो गए, श्री राम गीतावली और श्री कृष्ण गीतावली, ये भी गोस्वामी जी के ग्रंथ हैं। गोस्वामी जी ने श्री कृष्ण का चरित्र भी, श्री कृष्ण की लीला भी बड़ी सुंदर गाई है। बहुत सारे पद का संग्रह हो गया। फिर गोस्वामी जी सोचने लगे कि रोज रोज कौन बालक आता है, इतने ग्रंथ तैयार करवा लिए, पद तैयार करवा लिए, कहाँ रहता है जानू तो सही। तो वो बालक तो नहीं प्रकट हुआ, हनुमान जी प्रकट हो गए। और हम कल सुन रहे थे कि हनुमान जी बहुत सुलभ हैं गोस्वामी जी को, और गोस्वामी जी कोई सुलभ नहीं है, कोई भी दिल से पुकारे वो सुलभ है। जो भी सच्चे मन से अपने इष्ट को पाना चाहता है, अपने इष्ट की उपलब्धि करना चाहता है, उसके लिए हनुमान जी सुलभ हैं। तभी तो गोस्वामी जी कह गए ना, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ऐसा नहीं कि वो हुए थे, वे हैं, सर्वत्र हैं। और प्रभु चरित्र सुनिवे के रसिया, अपने प्रभु और अपने प्यारों के चरित्र सुनने के बड़े रसिक हैं, अवश्य यहां भी किसी न किसी रूप में हो सुन रहे होंगे। प्रभु चरित्र सुनने के बड़े रसिक हैं, जरूरत है अनुभव करने की, अनुभव में नहीं आ रहा, हमको लगता है नहीं,
अरे अभी यहाँ मोबाइल की दुनिया है, सभी के पास मोबाइल होगा। अभी कोई यहां से अमेरिका में किसी बैठे व्यक्ति का नंबर मिलाए, अभी मिलाए तो क्या 2-4 घंटे लगेंगे बात होने में? अभी नंबर मिला दीजिए, सात समुंदर पार बैठे व्यक्ति से अभी बात हो जाएगी। ऐसे ही है ना, अभी बात हो जाएगी। तो यहां से अग्रसेन भवन तक, अमेरिका तक क्या कोई तार पड़ा हुआ है जिसके माध्यम से बात हो जाएगी? तो कैसे बात हो जाएगी? बोले तरंगे व्याप्त हैं, तरंगे फैली हुई हैं, पहले से तरंग मौजूद हैं दूरभाष की। जब हम अपने यंत्र में वो नंबर मिलाएंगे तो हमारा यंत्र उन तरंगों को पकड़ने के योग्य हो जाएगा और हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से हमारी बात हो जाएगी। वो हमारी बात सुन लेगा, हम उसकी बात सुन लेंगे। ये तो एक साधारण मनुष्य के बनाए हुए यंत्र की इतनी क्षमता है। तरंगों के माध्यम से बात हो जाएगी, विचारों का आदान प्रदान हो जाएगा। तो जैसे दूरभाष की तरंग व्याप्त है, आकाशवाणी की तरंग व्याप्त है, मोबाइल टावर की तरंगे व्याप्त हैं, ऐसे ही समस्त सृष्टि में भगवदीय तरंगे व्याप्त है। अरे जिस परमात्मा ने सृष्टि बनाई उसकी तरंगे व्याप्त नहीं होंगी क्या? जिन्होंने 4 दिन पहले मोबाइल की खोज करी, दूरभाष की खोज करी, उनकी तो तरंगे इतनी प्रबल हो गई। परमात्मा ने धरती को बनाया है, चर्चा उसकी तरंगे क्या इतनी कमजोर है? यदि अनुभव नहीं हो रहा तो एक ही कारण है। वो पहले समय में रेडियो बजता था तो लोग सुई मिलाते थे रेडियो की, और जिस स्टेशन पे लगा दो सुई बजने लग जाए, कभी गाने बजने लग जाए, कभी समाचार बजने लग जाए, कभी कुछ बजने लग जाए। बस सुई स्टेशन पे आई, अब कोई रेडियो के भीतर तो कोई गाने बजाने वाले नहीं बैठे हुए, तो तुरंत आकाशवाणी की तरंगों को पकड़ ले और ध्वनि सुनाई देने लग जाए। ऐसे सुई मिलाने की देर है। हमारे चित्त की सुई जो अभी विषय के स्टेशन पे है, यदि उस सुई को गुरुदेव के आनुगत्य वाले स्टेशन पे लगाया जाए, श्री कृष्ण की शरणागति वाले स्टेशन पे लगाया जाए, तो अभी हमने सुना था किसी के मुख से कि नासा के वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं कि श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में जो अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तो विज्ञान कहता है व्यक्ति जो कुछ भी बोलता है, हम जो कुछ भी बोलते हैं, ब्रह्मांड में वो शब्द कहीं ना कहीं संग्रह होते रहते हैं, स्टोर होते रहते हैं। तो श्री कृष्ण ने जो वो दिव्य ज्ञान प्रदान किया 700 श्लोक का, वो श्री कृष्ण की वाणी भी कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में संग्रहित है, स्टोर है। तो किसी के मुख से सुना था नासा के वैज्ञानिक उस खोज में लगे हैं, पर श्री कृष्ण की आवाज वो वैज्ञानिक शोध से नहीं, वो हृदय की शुद्धि से सुनाई पड़ती है। बिन खोज के भी सुनाई पड़ जाती है, पर हृदय की शुद्धि होए। कबीर बाबा कहते हैं जिन खोजा तिन पाइया गहरे सागर बैठ। तो सुलभ हैं गोस्वामी जी को, वे सदैव विराजमान हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा। हमको भी सुलभ हो सकते हैं, वे सबको सुलभ है, भगवत कृपा सबको सुलभ है। जैसे वायु सब जगह व्याप्त है, ऐसे भगवत कृपा सब जगह व्याप्त है। आवश्यकता है अनुभव करने की, अनुभव में आ जाए, ग्रहण करने की क्षमता हो जाए। तो दो दो ग्रंथों का निर्माण हो गया। अब गोस्वामी जी असमंजस में कि वो कौन बालक आता था, पूरे ग्रंथ तैयार हो गए, हनुमान जी प्रकट हो गए। गोस्वामी जी ने प्रणाम किया, गोस्वामी जी से कहा किस असमंजस में है? बोले पता नहीं सरकार, एक बालक आता था सामरे रंग का, और देखिए इतने पद तैयार करा लिए, रोज लिख करके ले जाता था, लेकिन अब कुछ दिन से नहीं आ रहा है, समझ नहीं आता वो बालक कौन था। हनुमान जी ने कहा कि गोस्वामी जी वो बालक सामान्य नहीं था, श्री रघुनाथ जी ही आपके पास बालक बन के आते थे।
स्वयं राम लला ही आपके पास आते थे, स्वयं कन्हैया ही आपके पास आते थे और आपके मुख से सारी लीलाओं की पदावली को श्रवण करते थे। गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हो गए, श्री राम गीतावली की रचना करी, श्री कृष्ण गीतावली की रचना करी। ये भी गोस्वामी जी के दुर्लभ ग्रंथ हैं, पर गीता प्रेस के द्वारा सब प्रकाशित हैं। राम गीतावली में गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुभग सेज शोभित कौशल्या रुचिर राम शिशु गोदलिए, सुभग सेज शोभित कौशल्या रुचिर राम शिशु गोदलिए, कबहु पौढ़ि पय पान करावती, अकबही राखती लाई ये, बाल केली गावत दुलरावत, अपुलकित प्रेम पीयूष पिए, सुभग सेज शोभित कौशल्या रुचिर राम शिशु गोदलिए। बड़े बड़े सुंदर पदों का गायन किया है, कृष्ण गीतावली में बहुत सुंदर पदों का गायन किया है, श्री कृष्ण की स्तुति करिए। गोपाल गोकुल वल
ठाकुर जी ने राम गीतावली कृष्ण गीतावली की रचना कराई, इसके आगे गोस्वामी जी ने दोहावली की रचना करी। दोहावली में बहुत सुंदर सुंदर दोहा लिखे। सत्संग में बीच बीच में गोस्वामी जी के दोहा प्राय आया करते हैं। तुलसी जाके मुखन ते धोके उनक से राम, ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। घर में वन में पंथ में कहीं रहो ये देह, तुलसी सीता राम सो लगो चाहिए नेह। तुलसी या संसार में दूजो नाही उपाय, साधु संग हरि नाम बिन जिय की जरन न जाय। ये दोहावली के दोहा। ऐसे ही कवितावली का भगवत इच्छा से गोस्वामी जी ने लेखन किया। प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा, प्रगटे नरके हरि खम्ब महा, जगराज ग्रसो ग्रजराज कृपा, तत्काल विलंब कियो न तहां। सुर साखिद राखि है पांडवधु, पटलूटत कोटिक भूप जहां। तुलसी भज सोच विमोचन को, जन को प्रण राम न राख्यो कहां। ऐसे कवितावली द्वादश ग्रंथों का गोस्वामी जी ने जीव कल्याण के लिए प्राकट्य किया है। अब तो चहुं और गोस्वामी जी का सुयश फैला। और जो कल गोस्वामी जी ने उस ब्राह्मण को जीवित किया था, वो जो स्त्री सती होने जा रही थी, आपने श्रवण किया था वो प्रसंग, वो जो मृत व्यक्ति को जीवित किया था, ये घटना तो उस समय पूरे भारतवर्ष में अग्नि की तरह फैल गई। लोगों को चमत्कार में ज्यादा विश्वास होता है, वाणी में, सत्संग में, प्रवचन में, उपासना की बातों में संसारी व्यक्ति कम रुचि लेता है, और चमत्कार दिखे तो फट से नमस्कार करता है। तो ये चमत्कार वाली बात खूब भारतवर्ष में फैल गई। और ये होते होते उस समय अकबर का राज था, अकबर दिल्ली बैठता था, अकबर के पास भी पहुंची। अकबर बहुत चमत्कार का प्रेम, उसने सुना कि कोई तुलसीदास नाम के हिंदुओं के फकीर हुए हैं। सुना है उनकी बातें तो शुरू से ही सुनते थे कि कोई बड़े चमत्कारी महात्मा हुए हैं, अब सुना है कि मुर्दे को जीवा दिया। भाई ऐसा योग्य फकीर तो हमारे दरबार में होना चाहिए, हमारी मिलने की देखने की बड़ी तमन्ना है। तब अपनी सभा में चर्चा करी तो उस समय हाफिज खान नाम का उनका दूत था जो ये खबर भेजने का काम करता था। अकबर ने उस हाफिज खान को भिजवाया कि जाओ, सुना है काशी में तुलसीदास नाम का कोई हिंदुओं का फकीर रहता है, उसको कहो कि जहां पन्हा ने याद किया है और यहां पर आए, हम उनको सम्मानित करेंगे, हम कला के साहित्य के गुणों के प्रेमी हैं। और महाराज तब तो ये हाफिज खान नाम का व्यक्ति चला। बादशाह ने सुनो संत ने मृतक जीवायो, तुरत भेज संवाद दास तुलसी बुलवायो। कैसो सिद्ध फकीर जरा हम हूं तो देखें, दीनों मृतक जीवाय चमत्कारी जो भी सीख है। आज्ञा पाके निपट की धावन पहुंचो आए। अब बोला कि चलिए तुलसीदास जी अकबर रहे बुला। वो व्यक्ति आया, काशी में पता पूछता फिरता था, जानकारी ले रहा था, लोगों से पूछता था कि भई तुलसीदास नाम के महात्मा कहाँ रहते हैं। लोग कहते आपको क्या काम है, क्योंकि उसकी वेशभूषा देख के लग जाता था कोई सत्संग सुनने तो आएगा नहीं है, पूछते थे। तब उसने कहा, महाराज हम काशी के रहने वाले नहीं, हम दिल्ली के रहने वाले हैं, अकबर साहब ने हमको जहाँ पन्हा ने भेजा है, आप बताइए क्या तारीफ है तुलसीदास जी की। तो भक्त लोग बड़ी रुचि से बताते, बोले महाराज वे तो अवतारी पुरुष हैं हमारे गुरुदेव, तो सुना है जब प्रकट हुए थे तो 3200 दांत मुख में थे,
जन्मते ही राम नाम लिया था, गर्भगृह में अपने आप शंख बज गया था। और कहते हैं कि जब छोटे थे तो साक्षात जगदम्बा पार्वती जी उनको प्रसाद करा के जाया करती थी, और उसके पश्चात फिर नरहरि दास जी से दीक्षा हुई, काशी के इतने बड़े विद्वान श्री सनातन जी ने सब उनको शिक्षा प्रदान करी, कुछ दिन गृहस्थ आश्रम में रहे, फिर विरक्त हो गए। काशी में एक प्रेत का भी उन्होंने उद्धार किया, और हनुमान जी तो हमारे गुरुदेव के सदैव अंग संग रहते हैं। अनेक बार हमने सुना हमारे गुरुदेव भगवान को श्री राम जी का साक्षात्कार हुआ है, और अब तो गुरुदेव के द्वारा ऐसे दिव्य ग्रंथ की रचना हुई है कि लाखों लाखों नर नारी गोस्वामी जी की वाणी को गाकर भव पार हो रहे हैं, और कथा सत्संग ऐसा कहते हैं कि मन लुभायमान हो जाता है। और अभी कुछ दिन पहले की घटना है, बोले हमने सुना है तुलसीदास जी ने कोई मृतक जीवा दिया। बोले महाराज हमारे सामने की बात है, कुटिया में बैठे थे, एक स्त्री सती होने को जा रही थी, चरणों में आकर के प्रणाम किया, गोस्वामी जी जान नहीं पाए कौन है, गोस्वामी जी ने आशीर्वाद दे दिया सदा सुहागिन रहो। वो स्त्री निवेदन करने लगी, मैं तो सती होने जा रही थी, पति की मृत्यु हो गई है, आपने मुझे सदा सुहागिन होने का वर दे दिया। तब गोस्वामी जी ने कहा मुख से बात निकल गई है नाम जप करते करते, तब रघुनाथ जरूर जीवाएंगे। महाराज हमारे सामने दो बूंद चरणामृत की मुंह में डाली थी, हरि नाम श्रवण करवाया था, वो मृत व्यक्ति तो खड़े होकर के आनंद पूर्वक नित्य कीर्तन करने लगा था। ये सब घटनाएं हमारे सामने की है, इनके हाथ से प्रकट होकर के शंकर जी के मंदिर के नादिया ने प्रसाद पाया है, अब सुन सुन करके बहुत राजी हो रहा है, मिलना चाहता है।